हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2009 जो परिसीमित से संबंधित है, अर्थात इसका अर्थ ये होता है जो पहले से कार्यरत है ऑफिस में आंगनबाड़ी, उनके लिए जो परीक्षाएं हुआ था 2009 में, वो प्रश्न पत्र को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसको देख लेते हैं कि किस प्रकार का हुआ। वैसे पिछला प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। वैसे हर रोज मैं कुछ ना कुछ वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए बना के डाल रहा हूँ, जो महिला पर्यवेक्षक के लिए। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो पहला प्रश्न है, संख्या 1 से 3 तक दिए गए विकल्पों में संबंध का शब्द का चयन कीजिए, मतलब रीजनिंग से संबंधित, कार, कैरेज, हवाई जहाज। तो इसका उत्तर बा होगा, हैंगर, ये अलग है। मतलब जिस प्रकार कार गैरेज में रखा जाता है, हवाई जहाज हैंगर बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है। रांची की बिहार की राजधानी रांची है, तो रायपुर आपका सिंपल सा छत्तीसगढ़ आ जाएगा। उड़िया में बोली जाती है, तो डोंगरी कहां बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 से 6 तक का विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों के किसी कारण से भिन्न है। फुटबॉल, हॉकी, पोलो, वॉलीबॉल। ये पोलो बिल्कुल अलग है, फुटबॉल, वॉलीबॉल या हॉकी, ये वो खेले हुए। पोलो जो है घोड़ों में, घोड़ा के द्वारा खेला जाता है, ये मनुष्य दौड़ के द्वारा खेला जाता है। कान, गुर्दा, आंख और नाक, इसमें गुर्दा अलग है, कान, आंख, नाक बाह्य, गुर्दा आंतरिक है। रेडियो, टेलीविजन, अखबार, टेलीफोन, इसमें द टेलीफोन आएगा, क्योंकि तो रेडियो, अखबार और टेलीविजन ये जो होता है देखने वाला है और टेलीफोन सुनने वाला है। निम्न से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है, तो सा आएगा गंगूबाई हंगल। एक्स वाई का भाई है, जबकि वाई जेड की पत्नी है, जेड डब्ल्यू का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या रिश्ता है, आंसर सा आएगा, साला होगा, आप लोग खुद घर में बनाइए। 3/4 थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन 3/4 को प्रतिशत में कैसे दर्शाते हैं, तो 3/4 × 100 कर दीजिए, 75% ये आ जाएगा आपका। सी और बी की मां ए है, यदि सी का पति डी है तो ए का डी से क्या संबंध है, उत्तर सा आएगा, सास होगी वो। बस 2006 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, आप मार्टी अहितसारी को प्रदान किया गया था। बस 2008 का बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखक को गया था, बा आएगा अरविंद अडिगा को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पुराने समय थे, सा ये शशांक मनोहर समय थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, सा महेंद्र सिंह धोनी को। 6वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर बा आएगा बी एन कृष्णा। पहले बता देता हूँ, ये आप जान लीजिए, ये जरूरी नहीं इसको रट्टा नहीं मारना है, ये केवल कैसे क्वेश्चंस आया था उस हिसाब से एक आकलन करने के लिए बता रहा हूं यहाँ पर ना। ये सब पुराने क्वेश्चंस है 2009 का, सोच लीजिए 11 साल पहले किस प्रकार क्वेश्चन आया था। प्रत्येक जिले के तारामंडल की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर नहीं दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक 19 वर्ष पूरा करने वाला कांग्रेस नेता कौन है, और सोनिया गांधी रही है। पहला अश्वेत व्यक्ति जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, बराक ओबामा। वह प्रसिद्ध अभिनेत्री जिसे दक्षेस के 2008 में गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, इसका सा आंसर है सवाना आजमी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, आ आएगा सुरेश कलमाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था, तो ये आमसब काली अवस्था में ये पाटलिपुत्र बना, पाटलिपुत्र तो चौथा ले रोपड़ है, कालीगंगा है। प्राचीन वेद कौन सा, नोट ऋग्वेद है। और बुद्ध ने किस भाषा में धर्म का प्रचार किया था, तो आप ऐसे आ जाएगा पाली भाषा में किया। सूफी संप्रदाय निम्न धर्मों से विकसित हुआ है, तो यहाँ पर सिंपल इस्लाम धर्म से विकसित हुआ। अकबर जब तक बालिग नहीं हुए थे तब तक उनके अभिभावक थे, माने संरक्षक कौन थे, तो बैरम खां उसके संरक्षक हुआ करते थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में भारत आया था ये। निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी लोगों को नहीं था, नो डाउट लोहा का ज्ञान नहीं था। किस सूफी संत का दरगाह अजमेर में अवस्थित, तब्बा मुइनुद्दीन चिश्ती का है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह प्रभात या प्रभात तारा, भोर का तारा जिसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह। तारों के बीच की दूरियों को मापने की इकाई कहलाती है प्रकाश प्रसंगी। चंद्रमा का एक ही पक्ष सदैव पृथ्वी की तरफ रहता है, क्योंकि वह आएगा चंद्रमा में पहली धुरी पर आवर्तन की अवधि तथा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि करीब करीब एक ही होती है, अर्थात चंद्रमा जितना पृथ्वी घूमता उसी हिसाब से आवर्तन गति चंद्रमा की होती है। चंद्र ग्रहण
कब होता है? यहाँ पर बा आंसर सूर्य एवं चंद्र की जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। दक्षिणी गोलार्ध के उत्तर अनियंत्रित घटित होता है तो आ आएगा 22 दिसंबर को। विषुवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो आ आंसर केवल एक और दो अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को घटित होता है और दूसरा ये पृथ्वी के सभी स्थानों पर 21 मार्च 23 सितंबर को बराबर दिन एवं बराबर रात को प्रदर्शित करते हैं। भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र को हम लोग द सिस्मोग्राफ कहते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में के कौन से देश स्थल रुद्ध है तो सा आएगा इसमें भूटान और नेपाल स्थल रुद्ध किसी समुद्र से नहीं छूटते। भारतीय संविधान के ने सरकार की संसदीय प्रणाली का अनुकरण निम्न देशों से किया था आप ब्रिटेन से किया संसदीय प्रणाली। यदि एक राजमंत्री त्यागपत्र करना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र इसे संबोधित करना चाहिए सा राज्य के राज्यपाल को देगा। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का अधिकतम संख्या यहाँ पता है इनमें से कोई नहीं क्योंकि 500-250 यहाँ पर 500 और 250 आप बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्यों का अधिकतम संख्या बोला है तो यहाँ पर 500 तो अधिकतम हो सकती है लेकिन दो एंग्लो इंडियन जोड़ा जाएगा तो आज ज्यादा हो जाएगा 545 525 538 वास्तव में इनमें से कोई नहीं इसमें आया आएगा। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं कब ग्रहण करते हैं तो आएगा आना चाहिए प्रति द्वितीय वर्ष के बाद ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो नौ उपराष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो सा आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। समेकित बाल विकास परियोजना शुरुआत की गई थी तो ये सा आएगा 2 अक्टूबर 1975 को। धुंधला है काफी असुविधा है मुझे भी असुविधा हो रहा कारण बहुत पुराना पुस्तक से मैं इसको लोड कर रहा हूं। बस 2001 के जनगणना के अनुसार बच्चों की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान यहाँ पर दूसरा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी 1974 को। समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों का सही तथ्य का वर्णन कीजिए तो वह आंसर 60% केंद्रीय सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा शिशुओं को प्रदान की जाने वाली गोलियां होती है इसमें उत्तर नहीं दिया। कैल्शियम आयोडीन कैल्शियम जिंक आयरन फोलिक एसिड आयरन एस्कॉर्बिक एसिड यहां पर नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा अधिकतम कितने वर्ष की उम्र तक के बच्चों को पोषण का ध्यान में रखा जाता है तो अंतर 8 यहाँ पर 6 वर्ष होना चाहिए 8 वर्ष यहाँ पर 6 वर्ष होगा जो 8 टेप नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों कुल संख्या पर इनमें से कोई वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा कितने वर्ष की उम्र के वर्ग की किशोरी बालिकाओं को संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती है तो 11 से ये करीब धुंधला सा दिख रहा है 13 से 18 वर्ष ऐसा कुछ होना चाहिए। बच्चों हड्डियों एवं दांतों का मजबूत बनाने के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या होता है नो डाउट आपको पता होना चाहिए कैल्शियम होता है। रक्त निर्माण हेतु आवश्यक खनिज तत्व क्या होता है सा लोहा होना चाहिए। किस विटामिन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है तो बा आ जाएगा विटामिन बी। किस विटामिन के सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जा सकता तो द विटामिन डी को। किसी गर्भवती महिला को रक्तचाप के मानक होता माने क्या होना चाहिए तो सा आएगा गर्भवती महिला 130/90। मेरा उद्देश्य है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपको तैयारी करना है पुराने ढंग से उसको देखते चले जाइए। आदिवासी क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है तो द बोलता 300 से 800 की आबादी। किसी शिशु को विटामिन ए का प्रथम खुराक कब दी जानी चाहिए तो आ देता 9 महीने की उम्र में। चूहों द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई जाती है नो डाउट प्लेग। आंगनबाड़ी केंद्र में किसी गर्भवती महिला को प्रतिदिन दलिया की कितनी मात्रा दी जाती है 180 ग्राम दलिया दी जाती है। ये दोनों धुंधले हो चुके मिट चुके हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एड्स फैलता है व विषाणुओं से विषाणुओं के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में एड्स जो फैलता है विषाणुओं के द्वारा फैलता है। यहाँ पर घेंगा रोग होगा। घेंगा रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है तो नो डॉट आयोडीन की कमी से हो जाता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने की इजाजत नहीं है तो दो आएगा 14 वर्ष से। बाल विवाह करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है तो यहाँ पर आंसर सा लिया है 1 वर्ष तक कैद और जुर्माना लिया गया। भारतीय दंड संहिता फौजदारी कानून की कौन सी धारा बलात्कार से संबंधित है तो सा आएगा यहाँ पर 376 यहाँ पर आ जाएगा।
यदि कोई चिकित्सक भ्रूण लिंग निर्धारण संबंधी जांच करके पकड़ा जाता तो भुगतना पड़ सकता था 50,000 रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष की कैद। महिलाओं को पुरुषों के समान ही संपत्ति पर बराबर का अधिकार प्रदान करने वाला कानून लागू हुआ था आ मने 1956 को। माँ का पहला दूध कहलाता है बा कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। यहाँ गर्भावस्था के दौरान किसी गर्भवती महिला को दी जाने वाली आयरन की गोलियों की संख्या होनी चाहिए तो आ देता प्रतिदिन एक। जन्म के 4 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही भरा जाने वाला नवजात शिशुओं का भारत की संख्या है। जन्म के 4 सप्ताह पूर्ण होने के पहले ही मर जाने वाले, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मर जाने वाले जब नवजात शिशुओं की भारत में संख्या कितनी है तो दौलता प्रति 1,000 में 43 से पुराना है, अभी आंकड़ा बदला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य दायित्व को शामिल नहीं है तो पाया कि गांव में अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना ये शामिल नहीं है। कितने से कम वजन वाले बच्चे आश्रमाने अति दुर्बल माने जाते हैं तो सा बोला है 2.5 किलोग्राम के बच्चे अति दुर्बल माने जाते हैं। बच्चे के जन्म के समानता कितने दिनों बाद तक माँ स्तनों में अमृत समान पीला गाढ़ा दूध निकलता रहता तो आ बोला 3 दिनों तक। किसी आंगनबाड़ी केंद्र में प्रत्येक किशोरी बालिका को कितने चावल एवं मिक्स दाल की आपूर्ति की जाती है, इसका उत्तर नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का अधिकतम आयु सीमा क्या है तो यहाँ पर द आंसर दिया 44 वर्ष यहाँ पर होना था, दिखरा यहाँ पर 44 वर्ष के आसपास होना चाहिए था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में होने वाली वृद्धि सा बोलता है प्रत्येक 5 वर्ष में 31 रुपए का, अभी बढ़ गया होगा। मछली के यकृत तेल से प्राप्त होने वाली विटामिन आ विटामिन ए मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित में से किस एक पूंजी को रख रखाव नहीं की जाती तो सा आएगा विवाह पंजी, विवाह पंजी का रख रखाव, लेकिन स्टॉक पंजी, जन्म पंजी, टीकाकरण पंजी इसको बनाया जाता है। किसी शिशु की वृद्धि के लिए कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है तो अंतर भाई बहनों की संख्या का कम होना कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित कथनों का गलत कथन को चुनिए तो यहाँ पर आ गलत कथन, बच्चे का वजन जन्म से लेकर 6 माह की उम्र तक लगभग 500 ग्राम प्रतिमा बढ़ता है, ये गलत है, बाकी सब सही होंगे। निम्नलिखित में से किस लक्षण वाले बच्चे को की अवस्थिति गंभीर मानी जाएगी, क्वेश्चन ये है। जन्म के समय बच्चे का वजन अगर 2.5 किलोग्राम से अधिक है, मैंने 2.5 किलो से अनाधिक है इतना है तो ये माना जाएगा लक्षण, मैंने बच्चे की स्वास्थ्य गंभीर मानी जाएगी। हर 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु के दिन जिन्हें प्रतिशत मामले के लिए कुपोषण कारण होते हैं, मैंने 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की जो मृत्यु है ये कुपोषण के कारण होता है तो वह आ रहा लगभग 60%। कम से कम किस उम्र के गर्भ धारण करने पर मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व पाई जाती है तो सा बोला है मतलब 20 वर्ष। सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों के संक्रमण रोग होने की संभावना कितना गुना अधिक होता है, 14 गुना। ये सब क्वेश्चन जो अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको देख के जाना चाहिए। किसी शिशु को डीपीटी के टीके कितनी बार दिए जाते हैं तो सा आंसर आएगा 3 बार दिए जाते हैं। रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, आ रहा विटामिन ए की कमी से। किस उम्र तक शिशुओं के लिए माँ का दूध का सर्वोत्तम आहार होता है, द आंसर यहाँ पर 6 माह तक दिया गया है। अच्छा संतरा लिखा हुआ है, संतरा से प्राप्त विटामिन नो डाउट विटामिन सी ही होगा। विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा अंग विकृत हो जाता है तो वह हड्डी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बच्चों को विटामिन ए की पृथक खुराक किस उम्र में दी जानी चाहिए तो सा देता है 9 से 12 महीने में, 9 से 12 महीने में इसको पृथक खुराक दी जानी चाहिए। ये सब आप देख लेंगे इंपॉर्टेंट है ये सब। टीबी के रोकथाम के लिए शिशुओं को दी जाने वाली टीका द आएगा बीसीजी का टीका लगाते हैं। शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है, ये दिखाया शिशु मृत्यु दर कब किसमें निकाला जाता है तो आंसर आ दिया है 1 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से कम आयु के सीधा के भीतर एवं बच्चों की संख्या इंटू 1,000 अनजीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ये आ वाला सूत्र रहेगा। वर्तमान में निमोनिया से मरने वाले बच्चों की संख्या लगभग द वर्तमान 22%, अभी तो और कम हो गया होगा। दंतक पुत्री शिक्षा योजना के तहत किसी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही गरीब परिवार
कि किसी लड़की की एको प्रदान की जाने वाली राशि है आ 300 रुपए, अभी बढ़ गया होगा। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता द है, इनमें से कोई नहीं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध आकस्मिक अवकाशों की संख्या द है, प्रति वर्ष 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। अमरूद में कौन से विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, विटामिन सी। समेकित बाल विकास परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं का कुल संख्या ब दे रहा है, मतलब 6 होनी चाहिए। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं को प्रदत्त सेवाओं की संख्या है, यहाँ पर स दे रहा है 4। आंगनबाड़ी सहायिका के कार्य दायित्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है, तो द गर्भवती महिलाओं की सेवा करना ये शामिल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रति माह कितने रुपए किराया भुगतान किए जाने का प्रावधान है, आ 200 रुपए, अभी बढ़ गया होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए लगभग कितने निजी आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जा चुका है, 1100। यहाँ पर एक चीज मैं देख रहा हूँ कि जो ये वाला परिचय जो इन लोग के लिए पेपर है, आप लोगों के लिए जो गवर्नमेंट आप सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप लोगों का देखा जाता तो आंगनबाड़ी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। पहला पेपर में देखा था तो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे आंगनबाड़ी के, जितने इस पेपर में देखने को नजर आते हैं। इसलिए जो आंगनबाड़ी से संबंधित है और आप लोगों को जो पेपर दिलाओगे तो आंगनबाड़ी से संबंधित ज्यादा आपको तैयारी करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों पर पूरक पोषण आहार हेतु व्यय की जाने वाली प्रति बच्चे प्रतिदिन की राशि, इसका उत्तर नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, वास्तव में निम्नलिखित मंत्रालय का ही एक भाग है, द मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भाग है। मानव शरीर के पोषण हेतु कुल कितने तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, माने 5 तरह के। चीनी में प्राप्त पोषक तत्व होता आ कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पूरक पोषक आहार का की दिन संख्या है, महीने में 25 दिन। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन कितने दिनों के अंतराल पर किया जाना चाहिए, आ प्रत्येक महीने में। गर्भावस्था के दौरान इसी महिला को टिटनेस और टॉक्साइट टीटी कितनी टीकाएं लेनी होती है, ब बोलता है 2 टीकाएं। टीकाकरण से बच्चों की कितनी घातक बीमारी से सुरक्षा होती है, द मान 6 बीमारियों से सुरक्षा होती है। गर्भावस्था के दौरान किसी स्वस्थ महिला का वजन सामान्य कितना जरूर बढ़ना चाहिए, तो स आंसर दे 7 से 9 किलोग्राम बढ़ना चाहिए। जन्म के समय किसी सामान्य स्वस्थ शिशु का रंग होना चाहिए, तो ये द बता रहा है लगभग गुलाबी होना चाहिए। प्रत्येक के 7 से 10 दिनों के अंदर माँ और बच्चे के कितनी बार स्वास्थ्य जांच करवानी जरूरी है, आ 1 बार। 1 से 2 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों को दिन में कितनी बार खिलाना चाहिए, तो ये उत्तर नहीं दिया गया। दहेज संबंधी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है, यहाँ पर तो पैसे तो 5 वर्ष तक हो सकती है, यहाँ पर 7 वर्ष। दहेज संबंधी कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की सजा इतना तो है इनमें से नहीं आएगा, क्योंकि उल्लंघन जो कर रहा है, देखो अगर उसने खत्म कर दिया है, पत्नी को मार दिया, तो 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, और अगर ऐसा करता है 2 साल तक का कारावास का सजा दिया जा सकता है, ऐसे कुछ प्रावधान है 2 साल। वैसे 5 साल तक कभी कारावास दिया जा सकता है, तो यहाँ पर आंसर आपका 5 वर्ष, अभी वर्तमान के अनुसार ये 2 साल से 5 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, वर्तमान में ये आंसर आ जाएगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम लागू किया गया था 1929 में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 लागू किया गया था 20 जनवरी 2006 से। आयुष्मान योजना के तहत 1 सप्ताह से अधिक अवधि तक किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्साधीन रही किसी भूमिहीन निर्धन महिला को चिकित्सा सुविधा हेतु कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, स 1000 रुपए, अभी बढ़ गया होगा। स्वास्थ्य बच्चों की तुलना में गंभीर कुपोषित बच्चों की मृत्यु की संभावना प्रायः होती है, 8 गुना अधिक। बच्चों को 9 माह से 5 वर्ष की आयु के बीच विटामिन ए की कम से कम कितनी खुराकें प्रदान की जानी चाहिए, 9 खुराकें प्रदान की जानी चाहिए। एक समान नवजात शिशु माँ का स्तनपान कर जो ऊर्जा प्राप्त करता है, उसका करीब कितना प्रतिशत भाग दूध को निप्पल से चूसने में खर्च कर डालता है, तो इसका उत्तर नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया था 30 सितंबर 2005 से। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को समाज में टोनही घोषित करे,
तो घोषणाकर्ता कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होगा, अथवा 3 वर्ष तक का कठोर सरावत सजा यदि कोई व्यक्ति स्वयं को तो नहीं घोषित कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे तो वह कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होगा, अ 5 वर्ष तक का। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे राज्य भर में चलाई जा रही बाल विकास परियोजना की कुल संख्या कितनी है, वर्तमान में बढ़ गया वो समय उत्तर नहीं मिला। छत्तीसगढ़ राज्य में पूरक पोषाहार की नवीन व्यवस्था कब से प्रारंभ हो गई, वह आएगा 1 अप्रैल 2007 से। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना चालू की गई थी 15 अगस्त 2003 को। छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को अधिकतम कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया जाता है, 10 या 20 हजार रुपया। छत्तीसगढ़ महिला कोष का ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को प्रदान किए गए ऋण पर किस दर से ब्याज वसूला जाता, तो 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी केंद्र का एक हितग्राही नहीं है, वह आएगा 7 से 11 वर्ष की उम्र तक केवल लड़कियां। अस्पतालों में पैदा हुए शिशुओं को घर भेजने से पूर्व कौन सा टीका अवश्य लगा दिया जाता, BCG का टीका लगा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में जन्मे प्रत्येक 1000 शिशुओं में से जन्म से 1 वर्ष के भीतर मर जाने वाले शिशुओं की संख्या लगभग इतनी है, 60 अभी और कम हो गई है, ठीक है, 2001 का आंकड़ा था। गर्भधारण के किसी महीने में समुदाय के सहयोग से गोद भराई रस्म का आयोजन कर गर्भवती महिला को सम्मानित किया जाता है, 7वें महीने में। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कितने महीने के अंतराल पर एक बार एक कृमि नाशक गोली दिए जाने का प्रावधान है, वास्तव में 6 महीने के अंतर होना चाहिए, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र 6 महीने उत्तर नहीं लिया, अनुमान 6 महीने में होता है। बस 2001 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या थी 18.88% के आसपास थी। समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत प्रथम चरण में देश में कुल कितने विकास खंडों में की गई थी, तो आएगा 33 विकास खंड। समेकित बाल विकास परियोजना का विस्तार वर्ष 2006 तक देश के कुल कितने विकास खंडों में किया जा चुका है, तो इनमें से कोई नहीं। समेकित बाल विकास परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए मानदेय पर नियुक्ति किस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी केंद्र के प्रतिदिन कार्य करने पड़ते हैं, इसका भी उत्तर नहीं दिया गया। जनजाति इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है, 150 से 300 तक। यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 हो तो वहां 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या होनी चाहिए, 60। यदि शहरी क्षेत्र में स्थित किसी आंगनबाड़ी केंद्र का अपना निजी भवन ना हो तो वह आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए हित प्रतिमा भाड़ा के रूप में दी जाने वाली धनराशि होगी 750 रुपया। आंगनबाड़ी केंद्रों में रविवार साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर पूरे वर्ष में कुल कितने दिन के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान है, इसका भी उत्तर नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र हितग्राहियों के लिए पूरक पोषण आहार की नवीन व्यवस्था चालू की गई है, उत्तर नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार से 6 माह से 6 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों की कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, सब बताया 300 कैलोरी ऊर्जा। किसी नॉन मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते ही 938 रुपए का मासिक मानदेय देना कब से आरंभ किया गया था, 1/4/2002 से। किसी आंगनबाड़ी सहायिका को पूरे सेवा काल में एक बार के चिकित्सकीय प्रमाणित गर्भपात की अवधि में मानदेय सहित कितने दिन का अवकाश दिया जाता है, 42 दिन, अभी बढ़ गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को प्रतिवर्ष कितने धनराशि दवाई किट्स हेतु प्रदान की जाती है, 600 रुपए। 4/1/2009 में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिवर्ष 2 यूनिफार्मों के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, इसका उत्तर नहीं दिया गया। 1/4/2009 से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में सूचना शिक्षा संचार हेतु प्रतिवर्ष कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, 1000 रुपए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है, जे तो है लेकिन जे नामक कोई विटामिन नहीं होता। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, नाइट्रिक द आयन में से कोई नहीं, साइट्रिक एसिड बोलते हैं उसको। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार संबंधी प्रतिवेदन का निर्धारण प्रारूप कहलाता है, फॉर्म 7। प्रोटीन किस खनिज तत्व के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, आयरन के साथ। एक स्वस्थ शिशु समानता बैठना आरंभ कर देता है, 6वें महीने में।
जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु की लंबाई समानता हुआ करती है लगभग 48 से 50 सेंटीमीटर। प्रसव के उपरांत प्रथम 2 महीने तक माँ के स्तनों में दूध को निम्न मात्रा प्रतिदिन नियमित हुआ करती है 530 मिलीलीटर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र NCHS द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप 5 वर्ष के किसी सामान्य स्वस्थ लड़के का वजन होना चाहिए लगभग 20.7 किलोग्राम। शिशुओं को सर्वप्रथम लगाई जाने वाला टीका 13 BCG। कोई स्वस्थ शिशु समानता किस उम्र में अपनी माँ को अच्छी तरह पहचानना आरंभ कर देता है? ये द आंसर है 7 माह में। आयुष्मती योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब लागू की गई है? सा बोला 1 नवंबर 1991 से। शिशुओं को कब से माँ के दूध के साथ साथ संपूरक आहार देना भी शुरू कर दिया जाना चाहिए? 7वें माह से। 2 संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर हमें भागफल 6 MSS 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या क्या है? तो इसका उत्तर शायद तक इसमें से नहीं रहा होगा, वरना आंसर तो आ ही जाता। पहली संख्या दूसरी संख्या लघुत्तम समापवर्त इंटू महत्तम समापवर्त आप करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 9/92 का सरलतम रूप क्या होगा? काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 3/4। हल कीजिए, इसको जोड़ना बस है, जोड़ के माइनस करना है यहाँ पर चीजों में, तो आंसर आ जाएगा। एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो सारे विद्यार्थियों को बैठ पाने हेतु एक अतिरिक्त बेंच की आवश्यकता होगी, मगर यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो इन सबको बैठा दिए जाने के बाद 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रह जाएगी। कक्षा में विद्यार्थी कुल संख्या कितनी है? 72 संख्या होगी। किसी संख्या के वर्ग का 1/4 96 है, वह संख्या कितनी होगी? तो अब उल्टा 65। 3 मित्रों की औसत उम्र 23 वर्ष है, भले ही उसमें चौथे मित्र को उम्र जोड़ दी जाए फिर भी यह औसत 23 वर्ष ही रहता है। चौथे मित्र की उम्र कितनी है? तो वह आएगा 23 वर्ष। आपने खुद बनाइए घर में। 2 संख्याओं का योग 29 हो तथा उनके वर्गों का अंतर 145 है, इन संख्याओं का मध्य अंतर क्या होगा? वह 5 होगा। आपको इस बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन, यही तो नहीं आएंगे लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। 605 मिठाइयों को बच्चों के बीच इस तरह बराबर बराबर ढंग से बांटा गया ताकि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 30% हो, तो प्रत्येक बच्चे कितनी मिठाइयां मिली? तो आंसर 11। सरकार करें लगाती है सा यहाँ पर राजतंत्र के चलाने के लिए, नो डाउट सरकार बिना टैक्स के तो घर चला ही नहीं पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य कर नहीं है? सा उत्पादन शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ब यहाँ पर उत्पादन शुल्क। मुद्रा स्फीति का कारण आ मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य द है शिक्षा की दृष्टि से किसी पिछड़े इलाकों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। रक्त में कौन सी शर्करा यथेष्ट परिणाम में पाई जाती है? इसका उत्तर नहीं दिया गया है यहाँ पर। आग बुझाने प्रयुक्त होने वाला गैस सा है कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस मुख्यतः रहता है मीथेन में। जल की स्थायी कठोरता निम्न को मिलाकर दूर की जा सकती है, इसमें नहीं दिया गया है यहाँ पर। क्लोरीन, पोटेशियम परमेट, ब्लीचिंग पाउडर, वाशिंग सोडा। जल की स्थायी कठोरता यहाँ पर मेरे हिसाब से तो वाशिंग सोडा ही खत्म कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है? तो द नो डाउट चांदी है। संघनन क्या है? तो आएगा गैस का ठोस में बदलना, संघनन कहलाता है। काष्ट निम्न के निर्माण हेतु मुख्य कच्चा माल है? तो वह आएगा कागज के निर्माण हेतु काष्ट जैसे बांस का प्रयोग किया जाता है। पौधे के किस अंश में हल्दी प्राप्त होती है? इसके तना से हल्दी निकाला जाता है। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला आएगा महासमुंद। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुनिए। यहाँ पर वह गलत कथन छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 1999 को अस्तित्व में आया, ये गलत है। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्र पर सबसे छोटा जिला है? सब यहाँ पर बताया है धमतरी। अभी पुराने समय था ना, अभी तो और भी छोटे छोटे जिले बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? द आएगा यहाँ पर हस्तो नदी। अब इसमें 2001 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला रायपुर बताया जा रहा है। दंड कारण परियोजना निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? वह
कांकेर में, बादल खोल अभ्यारण निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है, तो सा आएगा जसपुर में। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराने उद्योग बंगाल कानापुर काटन टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी, ये शायद तक ऑप्शन गलत है इसलिए उत्तर नहीं दिया गया। भारतीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो द आएगा भरतनाट्यम इसकी शैली है। तो इस प्रकार मैंने 2009 का ये पूरा क्वेश्चंस आपको रिपीट किया और बताया। यहाँ पर मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आ सकता ताकि आप लोग पढ़ सको। मेरे इसको समझाना नहीं था, केवल बताना था। कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं, जैसे महिला बाल विकास है, महिला बाल विकास संबंधित है तो महिला बाल विकास से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनेंगे। वैसे इस बार दे दिया गया 40 क्वेश्चन आप बता दिया सबके लिए है, जिसमें 30 क्वेश्चन गणित 20 क्वेश्चन रीजनिंग ऐसे करके अंग्रेजी भी है हिंदी भी है, तो आप उस हिसाब से देख के अपने अनुसार जाएंगे। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि मैं आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा। वैसे मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, महिला संबंधित जो मैंने सुपरवाइजर महिला सुपरवाइजर में देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं।